वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बड़ा नाम धारित वैसे आर अल काबिल ग्रुप की कई जितनी कंपनी पर आज आईटी विभाग द्वारा सामूहिक सर्च ऑपरेशन जारी किया था। वडोदरा शहर सहित देश भर में आई वैसी 40 जितनी यूनिट पर आज आईटी विभाग यानी कि इनकम टैक्स विभाग ने सामूहिक सर्च ऑपरेशन जारी करते हुए कई तरह की अटकलें बनी है। वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बड़ा नाम धारित वैसे आल अल काबिल ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। वडोदरा शहर सहित देश भर में कंपनी को लागू वैसे 40 जितने यूनिट पर टीम द्वारा सामूहिक छापेमारी करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी किया है। नए साल के बाद पहली बार इनकम टैक्स विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर इस प्रकार की कामगिरी जारी की है। ऐसे में गुजरात इनकम टैक्स विभाग की टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करने के साथ कई तरह के गफले और घोटाले प्रकाश में आए गए वैसी अटकलें बनी है। पिछले सितंबर 2023 ही कंपनी द्वारा आईपीओ इश्यू किया गया था, जहां वर्ष पूर्ण होने के दिवसों के दौरान इनकम टैक्स विभाग द्वारा कर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का रुख अपनाते हुए आज आईटी विभाग द्वारा आरआर काबिल ग्रुप की वडोदरा शहर सहित देश भर में 40 जितने यूनिट पर सामूहिक सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। उसी प्रकार से आईटी विभाग द्वारा बिल्डर, ज्वेलर्स, पटाखे के स्टोर सहित अन्य स्थलों पर भी राज्य भर में छापेमारी करने की जानकारी प्राप्त हुई है, जहां वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के साथ जुड़े वैसे आरआर काबिल ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के साथ यहां पर गफलत और हिसाब किताब में भारी इनकम टैक्स यानी कि कर चोरी पकड़ी जाएगी वैसी अटकलें बनी है।